अपने स्टेटस के मुताबिक ही लोगों से उनके रोल एक्सपेक्ट करते हैं जैसे कि टीचर है जैसे कि कॉबलर है जैसे कि कारपेंटर है जैसे कि कोई भी सोशल पोजीशन के ऊपर बैठे हुए लोग हैं तो वो ये सब जो हैं ये डिफरेंट सोशल स्टेटस को एक्सप्रेस करते हैं और इसके साथ साथ जो स्टेटस की पोजीशंस हैं वो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली सिस्टम है तो फैमिली सिस्टम में कोई फादर के स्टेटस पे है कोई मदर के स्टेटस पे है कोई ब्रदर के स्टेटस पे है तो कोई सन के स्टेटस पे है और इसी हवाले से हम उनके रोल्स को भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं सो फॉर्मली स्पीकिंग सोशल स्टेटस रिफर्स टू द पोजिशन और रैंक दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑक्यूपाइज इन अ सोशल हायर तो चूँकि माशरा जो है डिफरेंट हरार्कल पोजिशन के ऊपर मबनी होता है तो स्टेटस जो है वो भी हरार्किकल पोजीशंस को ही रिफ्लेक्ट करता है तो रोल रिफर्स टू द बिहेवियर्स एंड ऑब्लिगे दैट आर एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर स्टेटस हर स्टेटस जो है वो एक पर्टिकुलर रोल एक्सपेक्टेशन के साथ होता है मुशरे जो हैं डिफरेंट रोल्स को एक्सपेक्ट करते हैं उनके स्टेटस के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि कोई फ़ादर के स्टेटस पे है तो फादर के स्टेटस पे होते हुए उससे जो है वो हम सन का रोल एक्सपेक्ट करें जैसे हम पाकिस्तानी माशरे में देखते हैं कि फादर से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आपके लिए लाइवलीहुड का बंदोबस्त करता है एक्नॉमिक या फिनेंशल एस्पेक्ट के एतबार से जो है हम फादर से एक्सपेक्ट करते हैं के नान नफके का जिम्मेदार होगा आपके लिए जो है जो भी मुशी तौर के ऊपर अहम है आपके लिए उसको बंदोबस्त करने का ज़िम्मेदार होगा इसके साथ साथ हम उसका एक अथॉरिटेटिव रोल देखते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता कि एट द सेम टाइम हम उससे ये भी एक्सपेक्ट करें कि दैट ही शुड परफॉर्म द रोल ऑफ अ सन जो बेटे का रोल है कि बेटे का रोल रिलेटिवली एक सोशलाइज्ड प्रोसेस uh, के अंदर सोशलाइजिंग प्रोसेस के अंदर इंगेज होता है हम उससे एजुकेशन एक्सपेक्ट करते हैं हाँ वो फ़ादर अगर किसी और का सन है तो ऑब्वियसली हम उससे उसके उस स्टेटस उस के, के मुताबिक फिर वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं लेकिन एट द सेम टाइम एट द सेम स्टेटस जो है हम उससे उस रोल की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते सो स्टेटस एंड रोल कैन वेरी एक्रॉस कल्चर्स एंड कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल इनिकवालिटी अब जब माशरों के अंदर हम डिफरेंट सोशल पोजिशन को देखते हैं तो ये चूँकि हरार्किकल पोजिशन होती हैं ये दर्जाबंदी के अंदर होती हैं इनमें से कुछ पोजिशन जो हैं वो हायर कंसिडर होती हैं कुछ लोअर कंसिडर होती हैं तो इसी की बदौलत हम देखते हैं कि माशरों में इनिक्वालिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं अब ये जो आ, बराबरी या आ, बरा, बराबरी का ना होना है इसको सोशोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसीडर करती है तो सोशल इनक्वालिटी को अचीव करने के लिए हम एनालाइज करते हैं कि डिफरेंट स्टेटस जो हैं सोशल हरार्किकल पोजीशंस के ऊपर किस किस जगह के ऊपर हैं तो अगर तो वो जस्टिफाइड पोजीशंस हों तो फिर सोशोलॉजिस्ट uh, उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और अगर अनजस्टिफाइड हों और वो इनक्वालिटी जस्टिस की तरफ लीड करे तो फिर सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके हवाले से पॉलिसी मेकिंग में ये सजेशंस Uh, दे सकते हैं या देते हैं थ्रू द रिसर्च प्रोसेस कि कैसे इन इन इनक्वालिटीज़ को जो सोशल स्टेटस और रोल्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है फूड फॉर थाट फॉर यू अगेन द एनालाइजिंग द रोल ऑफ सोशल स्टेटस एंड रोल इन पाकिस्तानी कास्ट सिस्टम और मे बी यू कैन से इन एथनिक सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल मोबिलिटी सो कास्ट uh, सिस्टम को आप देख सकते हैं अपने इर्गिर्द मुख्तलिफ तरह की जो जातों के अंदर दर्ज़ा बंदी है पाकिस्तानी माशरे के अंदर देख सकते हैं कि कैसे कुछ ज़ातें जो हैं वो हाई स्टेटस को रिफ्लेक्ट करती हैं कुछ लोअर स्टेटस को रिफ्लेक्ट करती हैं और उनकी इन इन in, इस इनकवालिटी के अंदर जो सोशल मोबिलिटी है कि एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक वो कैसे जा सकते हैं इस सब को आप एनालाइज़ कर सकते हैं इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ताकि आपको रोल और स्टेटस की समझ आ सके